बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो सेकंड ऐसे लगता है कि बाबा वतन में नहीं है। मैं सोचने लगी कि भोग लेकर के आई हूँ, बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ सेकंड में ही बाबा वतन में पहुँचे। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो सदगुरुवार का दिन है, आप कहाँ से चक्कर लगा के आ रहे हैं। बाबा मुस्कराए। बाबा ने कहा कि बच्ची आज बाबा सवेरे से ही ब्राह्मण बच्चों के पास सेंटरों का चक्कर लगाने के लिए निकले हुए थे। चक्कर लगाते बाबा ने फिर एक दृश्य मर्ज किया, ड्रामा नाटक का, और उसमें कई प्रकार की सीन दिखाई दे रही थी। उस सीन में कभी खुशी की लहर, कभी दुख की लहर, कभी विनाश का दृश्य, अनेक प्रकार की सीन सामने दिखाई दे रही थी। बाबा पूछने लगे कि बच्ची क्या देख रही है। मैंने कहा बाबा आप जो दिखा रहे वही सीन देख रही हूँ। बाबा ने कहा कि इसका अर्थ समझा तुमने, तो मैंने कहा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बाबा विशेष चक्कर लगाने निकले ब्राह्मण बच्चों के पास सेंटरों का चक्कर लगाते बाबा देख रहे थे कि ड्रामा की सीन में कौन कौन खुशी के दृश्य में, विनाश के दृश्य में, अनेक जो दृश्य आ रहे थे उस दृश्य के अनुसार कई बच्चे तो एक रस होकर के वह सीन देख रहे थे और कोई दृश्य को देखते हुए, भयानक सीन को देखते हुए थोड़ा डर भी जाते हैं, कोई रोने भी लगता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ड्रामा देखा, जो फिल्म होती ना उसमें भी अनेक प्रकार की सीन होती है, तो कहाँ रोने की सीन, दुख की सीन आती है तो कोई देख नहीं पाता है, और कोई खुशी की होती तो बड़े प्रेम से देखते हैं। तो कई तो अनेक सीन देखते हुए वो एक रस रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची आज दृश्य मर्ज किया कि बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते ये दृश्य थोड़ा हलचल का भी देख रहे हैं और ब्राह्मण बच्चों में भी हलचल होती रहती है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार ड्रामा की सीन अनेक प्रकार की है, दुख सुख, पतझड़, खुशी की अनेक प्रकार की है, तो बाबा ने कहा कि उसी प्रकार जो एकदम निश्चय बुद्धि अटल बच्चे, एक रस स्थिति में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा उनकी स्थिति एक समान और बाप समान रहती है, और थोड़ी सी भी बाबा ने कहा स्थिति ऊपर नीचे होती है, जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं बाबा ने कहा उनकी स्थिति डगमगाने लगती है,
उस सीन के अंदर बाबा ने कहा वह भी कोई तो देखते हैं, कोई सीन से निकल जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा भी ऊपर बैठकर आज बच्चों का दृश्य, बच्चों की सीन और दुनिया की सीन बाबा बच्ची तुमको दिखा रहे हैं। पर बाबा ने एक बात कही कि ये बाबा का यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है, बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, स्थान है, और इस जैसा स्थान कोई हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा कि भले कितने भी विपदाएं, बाधाएं, परिस्थितियां आएंगी, पर बाबा ने कहा जो अचल अडोल बच्चे होंगे, एक रस होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा ने कहा उन बच्चों के साथ सदैव बाप है ही। तो बाबा ने आज विशेष किस रूप में दृश्य मर्ज किया, हम तो दृश्य देख करके नीचे आके सुना देते हैं, पर बाबा तो सब कुछ ऊपर बैठकर भी दृश्य देखते हैं और इमर्ज कर देते हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि बाप के पास तो हर ब्राह्मण बच्चे की याद एक सेकेंड भी नहीं लगता है बाप के पास पहुंचती है, और बाबा भी उन बच्चों को अनुभव कराता है, पर कई बच्चे अनुभव कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा उसका कारण निश्चय की कमी। तो बाबा ने जैसे बड़े प्यार से फिर तो भोग स्वीकार किया, और फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम।